सो बोलो बेटा। कोई भी दो टेंपरेचर स्केल्स नो रिलेट करने का इतना तरीका बा तो कंसेप्ट तो हम दस्ता बा ना इतना ना बेसिकली इस तरह का होना फर्स्ट ही आ जाना क्योंकि ना जो पानी है एदी डेंसिटी
इंटेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस ते मैक्सिमम नहीं 4 डिग्री ते 4 डिग्री ते हुंदी तो इस करके पानी दी जिहड़ी डेंसिटी है टेंपरेचर दे नाल वो ग्राफ कुछ मतलब आ 4 डिग्री सेल्सियस है इस तरफ 0 डिग्री है इस तरफ तो डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री मतलब जे तुसी पानी दा टेंपरेचर 4 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज करोगे तां भी डेंसिटी घटेगी डिक्रीज करेगी ते जे 4 डिग्री सेल्सियस तो पानी टेंपरेचर घटाओगे तां भी डिक्रीज ही करेगी एक्सपेंड करेगा पानी टेंपरेचर वधन दे नाल सॉलिड्स क्यों एक्सपेंड करते हैं तो उधे जैसी की ऑब्जर्व करते हैं कि वो एडा सॉलिड है उधे जिधे दो एटम्स हैं जिना तो मिलके बहुत सारे एटम्स तो मिलके बने हैं तो दो एटम्स दे विच जदों दूरी डिस्टेंस बदलता हुआ ता पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रही है तो वो कितना बदल दी है डिस्टेंस दे नाल तो वो याद रखना पा कि जदों एक ग्राफ कुछ आ देखो कि जदों दो एटम्स दे विच दूरी काफी ज्यादा हो तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी दा मतलब उना दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जदों वो दो एटम्स नजदीक आंदे हैं तब पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव होनी शुरू हो जाती मतलब अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो गई और इसके आगे मैक्सिमम पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई मतलब ए इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ज्यादातर एटम्स इथे मतलब सॉलिड च इथे स्टे करते है ना अच्छा उसको बाद जे होगे एटम्स उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तो और नेड़े आना शुरू करन तब पोटेंशियल एनर्जी हम कटेगी बदल लग गई मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करनी शुरू हो गई और इथे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है ना तो उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस ने मैदान संभाल लिया तो इसका मतलब जेड़ा सॉलिड है ओदे च एटम्स की रहते हैं इस डिस्टेंस पे इतने डिस्टेंस पे रहते हैं हम गल सुन लियो पर जितना ही अपना टेंपरेचर ए जेड़े है एनर्जी लेवल्स है ओदे दम ने ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਚ ਐਟਮ ਆ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ The coefficient of linear expansion of crystal in one direction is alpha 1 and that in every direction perpendicular to it is alpha 2. The coefficient of cubical expansion is coefficient of cubical expansion hai onu assi volume expansion bhi keh dende hain gamma to gamma alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 naal aunda और जदों तक थोड़ा मटीरियल है एन आइसोट्रॉपिक फिर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अलग अलग होंगे है अदरवाइज जो आइसोट्रॉपिक है तो सेम होंगे है इस करके फिर आप गामा थ्री अल्फा लिख लेने से पर इतने उन्हें क्या ये एन आइसोट्रॉपिक मटीरियल है एक पासे तो अल्फा है अल्फा वन है बाकी दोनों पासे अल्फा टू है मतलब आंसर की हो गया अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू उस एंगल तो एक गल समझ आनी चाहिए बोल की A uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the mean temperature rises by 10 degree Celsius and the coefficient of linear expansion of the metal rod is 2 into 10 is for minus 6 per degree Celsius, the period of सिंपल पेंडुलम है उदा टाइम पीरियड हुंदा वा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है ना हुन पुत्र अगर पेंडुलम दी तार मेटल दी बनी है जिदा कि इत्थे उन्हें कहा तकी हो टेंपरेचर दे वधन नाल उस तार दी लंबाई वधेगी एल और एल दे वधन नाल टाइम पीरियड बदलेगा है ना हुण इस एल दा टेंपरेचर नाल की संबंध है तो फाइनल लेंथ हुंदी है ओरिजिनल लेंथ आई होती है ना अब आप मान सकते हैं कि आप पेंडुलम दी ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट जीरो डिग्री सेल्सियस है ना ठीक है जबकि जो तो ओरिजिनल लेंथ सी वो तो टाइम पीरियड आ सी फिर जो तो ओरिजिनल लेंथ टेंपरेचर के चेंज होने नाल बदल गई एल हो गई तो एल की जगह पे आप आ सारा ले गया तो टाइम पीरियड आ हो गया हुन चेंज कितनी आई तो टी माइनस
टी नॉट ए है चेंज इस चेंज नूं जदों टी नॉट नाल डिवाइड कर दोगे ए बन जांदी है फ्रैक्शनल चेंज रिलेटिव चेंज ते जदों इनू इनटू 100% कर दोगे ओ हो गई परसेंटेज चेंज सो ए फार्मूला बन गया टी बाय टी नॉट माइनस 1 इनटू 100% और उत्तर टी बाय टी नॉट वाला जी है ते रिजल्ट याद ही रखना तुझे जो तो तुसी T by T नॉट करोगे यार रेशो बचना की है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अंडर रूट उन कुछ गल्ला मैथमेटिक्स भी है याद आनी चाहिए हैं कि आज भी टर्म होती है ना वो तो ए एक तो बहुत छोटी होती है क्योंकि जब भी ऐसी न्यूमेरिकल करते हैं थर्मल एक्सपेंशन दे तो अल्फा की वैल्यू 10 raised to power minus 4 minus 5 वाला होती तो आ रहा चेंज इन टेंपरेचर है जितना तो आटे कितना देता है 10 और आ देखो आ 10 है तो आ 10 raised to power minus 5 है तो मल्टीप्लाई minus 4 है मतलब एक दे मुकाबले बहुत तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाती है तो बाइनोमियल थ्योरम जो 1 plus x raised to power n नो 1 plus nx लिखने हैं वो आप आए थे ए रिजल्ट याद रखना और जब तू तुझे यह वैल्यू इतनी पुट करूँगे ता सांता आ चाहिए ना रिजल्ट तो इधर जगह पे किया जो साठ आंसर हाफ अल्फा इनटू 100 तो फिर अल्फा भी दिखता हुआ तो टेम्परेचर चेंज भी दिखती हुई है तो सब्स्टिट्यूट करो और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ਨੇ ਹੋਵੇ 5 ਯੈਸ ਬੋਲ ਦਿਸ਼ਕਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਜ਼ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਐਂਡ ਐਟ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਟਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ 9.7 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ The coefficient of linear expansion of the substance will be. देखो पुत्र, जिस तरह असी लिखते हैं ना, final volume is equal to original volume into 1 plus gamma delta theta. ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਂਸਿਟੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ माइनस वन मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगा के यहां बन गया ना तो हुन आ फाइनल डेंसिटी है आ ओरिजिनल डेंसिटी है चेंज इन टेंपरेचर गामा गामा पता लग गया तो गामा होता 3 अल्फा
उन्हें क्योंकि अल्फा वाले जाना ना भी रिलेशन याद आना चाहिए। सोचना कितना कि पानी इनू की देगा, पानी तो इधर हीट जाएगी है ना, ठीक है। हम सोच के देखो इनू करन दे दो तीन तरीके है। हम सोच के देखो कि वध तो वध पानी का टेंपरेचर घट के कितना हो सकता, जीरो तक जा सकते है ना। तो इहदा मतलब जे पानी इहदा टेंपरेचर जीरो चला गया इहदा मतलब की होया कि 540 ग्राम आज भी क्यू है किहदे बराबर आनी है। तो जे आपां इहनूं मान लईए कि जीरो तक चला गया है ना, तो सारी जिहड़ी क्यू हीट कितना कढ़नी है एम सी डेल्टा थीटा। तो एम है पानी का मास जो दिता हुआ, सी है इसकी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, चेंज इन टेंपरेचर बढ़ेगा 80 केल्विन, ग्राम नाल ग्राम केल्विन ना केल्विन कटे गए, तो 540 इंटू 80 कैलोरी हीट ट्रांसफर हुई है ना, पर हाले इतने नहीं। हुन देखो ये जड़ी आइस है जो तेनु हीट मिलनी है तेने मेल्ट होना शुरू करना, हुन इहदी कितनी अमाउंट मेल्ट होनी है वो डिपेंड करना हीट दी अमाउंट ते। हुन आपां प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि इहनु कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस लई कितनी हीट चाहिए है, क्यू डैश कितना कटना के एमएल कितना 540 ग्राम इनटू ए हुंदा पुत्र 80 कैलोरी पर ग्राम ये दित्ते होने तुहानू, तो इहदा मतलब सॉरी ठीक है। तो पानी नू जीरो तक जाने लिए जितनी हीट उन्हें इवॉल्व करनी है उतनी हीट पूरी आइस में की कर रही है मेल्ट, पर फालतू नहीं है। इहदा मतलब फाइनल टेंपरेचर जीरो ही रहना, ठीक है। हुण मैं गल दस्सण लगा इहदा मतलब जे आपा सोच लीए जो ना पानी और आइस का कॉम्बीनेशन आ जाए तो तुसी एज्यूम करो कि पानी सारा जीरो तक पहुंच गया तो उन्हें कितनी हीट इवॉल्व की थी, वो है क्यू, वो आपा इस तरीके ना कट लेंगे। दूजे पासे पूरी आइस नू जीरो डिग्री ते मेल्ट होने लिए कितनी हीट चाहिए है क्यू डैश,
तो अगर q की वैल्यू लेस देन इक्वल टू q डैश है, जब तक आ वाली q इसके बराबर या घट है, ता फाइनल टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पर जे आ हीट ग्रेटर देन q डैश है, फिर फाइनल टेंपरेचर थीटा होना ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? अच्छा, हुण एक तक पहले नोट करो, फिर इस तो अगले स्टेप्स में मैं दसना, ज्यादातर तो इतने ही काम खत्म हो जाता। ठीक है, हम देखियो पुत्र, ज्यादातर तो इतने खत्म हो जाता काम, बट हम जितना मान लो आप रफ जहा देखा भी क्यू की वैल्यू क्यू डैश तो ज्यादा वा, तो फिर मतलब आ जरा पानी है ये जीरो तक नहीं पहुंचना, यह कितने तक रह जाना, थीटा तक रह जाना। तो फिर आप इस केस च आ वाले केस च heat lost by water the heat gained by water ice पानी दे केस की करना आ वाले केस, तो पानी का मास, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ते पानी का इनिशियल टेंपरेचर माइनस जड़ा इक्विलिब्रियम दा is equal to, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਆਈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੋ ਆਈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਚ ਖਰਚ ਹੋਈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ
ठीक है। और जे मान लो क्यू की वैल्यू क्यू डैश के बराबर है तो पूरी की पूरी आइस जीरो डिग्री से मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। पर जे क्यू की वैल्यू क्यू डैश तो घट है फिर फाइनल टेंपरेचर मिक्सचर का होएगा जीरो डिग्री पर पूरी आइस मेल्ट नहीं होनी, कुछ मास होना मेल्ट। तो वो कितना कढ़ना आपां, तो इनिच भी आपां एम डैश एल एफ इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और फाइनल टेंपरेचर जीरो ही रहना। तो इतना आपां दस सकते हैं कि कितनी आइस का मास मेल्ट होएगा। Stream is passed into 22 grams of water at 20 degrees Celsius. The mass of water that will be present when the water acquires a temperature of 90 degrees Celsius. Latent heat of steam is 540 calorie per gram. एक पानी है, दूसरे पास से steam. Steam का temperature 20 degrees. हाँ हाँ. 100 डिग्री ते होनी पानी 20 डिग्री से 20 डिग्री पानी का मास कितना 22 ग्राम है ते फाइनल टेंपरेचर कितना होया मिक्स होते 90 डिग्री सेल्सियस तापक की दसना मास ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट गल को समझो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ 22 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਕੁਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਇਥੇ ਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਆ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ और चेंज इन टेम्परेचर इतनी हीट चाहिए है ना। और इतनी हीट मिलनी कितों है स्टीम तो हम ध्यान दियो हम स्टीम का जरा प्रोसेस कितना होना स्टीम ने हीट जब लॉस करना पहला तो स्टीम का 100 डिग्री पे पानी बनना तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फिर वो 100 वाली स्टीम जड़ी है उसका टेंपरेचर फॉल करके पानी बन गई ना एम सी हाँ कितना तो आप जिधर हीट लॉ इवॉल्व हुई है इन्हें मिलनी है ना इज इक्वल टू 22 पूरा लेना नो इन्हें सॉल्व कर लो इतने जिधर एम डैश कौन है जेड़ा स्टीम तो पानी बनिया उदा मास तो इदा मतलब फाइनल पानी का मास कितना हो गया 22 दा पहले ही सी तो जितना एम डैश आया वो च ऐड करके आंसर कर देना फाइनल आंसर देखो फाइनल मास इतना हो गया पानी का
बोल रही थी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट दा हीट नाल की संबंध है अपन लिखते हैं ना Q इज इक्वल टू एम सॉरी एम कहता एन सी डेल्टा थीटा है ना हुन की ना ध्यान दियो एक होंगी है डिफरेंशियल फॉर्म हुन गल समझन लई मैं न्यूमेरिकल पाया ए खास करके नॉन मेडिकली इंपॉर्टेंट है मेडिकल से ज्यादा देखो आप कई बार लिख देते Q is equal to NC delta T तो कई बार ऐसे कह देते हैं DQ is equal to NC dT भी फर्क की है कभी वो लिखी जाए बेसिकली पुत्र ये होता है ये हमने स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर आ है टोटल चेंज इन टेंपरेचर ठीक है हुन गौर नाल देखो इत्थों इधर तो आ कितना बंदा ਹੁਣ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉ ਐਨ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਵਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੋਮੈਰੀਕਲ ਚ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 27.2 + 4 × 10⁻³ t ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਮੈਰੀਕਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣੀ Q ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 300 ਟੂ 700 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਐਨ 21 ਆ ਏ 21 ਐਨ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹ 27.2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈ आया कि ना कि डेल्टा टी सीधा पुट करी है ना सी पुट करी है सो डिफरेंशियल फॉर्म दी है इंपॉर्टेंस Kelvin divided the amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius and it is defined under which of the following conditions. From 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 760 millimeter of Hg. From 98.5 degree Celsius to 99.5 degree Celsius
at 760 millimeter of Hg. From 13.5 degree Celsius to 14.5 degree Celsius at 76 millimeter of Hg. From 3.5 degree Celsius to 4.5 degree Celsius. ये option है, calorie होती है कि पानी दे एक ग्राम नो temperature नो बढ़ा ले, पर किधर temperature नो? 14.5 to 15.5 degrees at atmospheric pressure. ये definition है ना? क्योंकि आमतौर पे ना ऐसी पढ़ते हैं तब हम कि 1 calorie of the heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. उन्होंने 1 degree Celsius 14.5 to 15.5 वाली क्यों? क्योंकि practically किसी भी substance की specific heat की value भी temperature पे vary करती है. पर वो वेरिएशन इन्हीं का ढूंढती है कि ऐसी उन्हें इग्नोर कर देने हैं जितना वाला टेम्परेचर नहीं है तो सी डी वैल्यू टी नाल रिलेटेड है ना तो सेम टेम्परेचर सॉरी डिफरेंट टेम्परेचर पे सी डी वैल्यू डिफरेंट है तो उस करके याद रखना है ना बोल अच टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकंड्स व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड बट व्हेन दे आर जॉइंड अलोंग देयर लेंथ देन दे विल ट्रांसफर सेम हीट इन सेम कंडीशंस इन मतलब इधर तुम समझ होनी चाहिए है जड़ियां दो रॉड्स है सेम मटेरियल दी है वहां यस हां जब दो रॉड्स सेम मटेरियल दी है वहां और हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रही है ना तो फार्मूला अपना बन गया वा क्यू बाय डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना के ए टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लेंथ तो डिफरेंशियल फॉर्म चीज़ ही नहीं आप इतना डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एच लिख देंगे डिफरेंशियल फॉर्म अच्छा हम सोच के देखो आ देखो पुत्र आ है एक रॉड ते आ है दूसरी रॉड आ है पहली रॉड आ है दूसरी रॉड मतलब पहला इस तरह हीट ट्रांसफर कर रही है फेज में तो इस केस क्योंकि हीट दोनों वाली सेम ही है तो इधर विच क्यू ओवर टी एस करते हैं सीरीज वाला केस के क्योंकि दोनों का केस सेम है तो सीरीज के एस भी के ही आना है समझेंगे जिधर K S है ना क्योंकि identical rods है ना ताँ करके otherwise इतने की use होना सी K S अच्छा area A है पर length 2L हाँ distance आ गया जबकि इतने Q वो ही है time T P वाला हो गया parallel इतने K P आना सी पर क्योंकि दोनों identical है इस करके K P K दे बराबर ही है लेंथ सिंगल रहे तो रेशो ले लो उन्हें देख तो अनुभव खारे फार्मूला दसे है केपी कितना कटी था केएस कितना कटी था उन्हें चेत आप अनुभव रिजल्ट याद रखना पड़ना कि ये दो आइडेंटिकल मटेरियल या बनिया आइडेंटिकल बॉडीज है तो केएस के दे बराबर ही है केपी के दे बराबर ही है कितने हो गए भाई कल 11 है कितने है टोटल 22 22 है हां
बोर की थी In steady state of thermal conduction, temperature of the ends A and B of a 20 cm long row are 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. What will be the temperature of the rod at the point at a distance of 6 cm from the end A of the rod? देखो उधर तो अ रॉड है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यस सर तो एंड ए का टेम्परेचर 100 डिग्री है बी का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के है देखो हुन आ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हुन आपा टेम्परेचर लभना किथे ए एंड तो हाँ तो उहदा मतलब साडे लई आ टेम्परेचर आपा थीटा करदा हुन इहदे च एक वर्ड आया स्टेडी स्टेट का मतलब की हुंदा पुत्र याद रख लो दस्या भी सी कि जदों किसी भी सिस्टम च हीट फ्लो करती है ना तो शुरू च थोड़े टाइम ले ही सिस्टम दे हर पोर्शन दा टेम्परेचर चेंज हुंदा पर स्टेडी स्टेट दे विच सिस्टम जो जदों हीट लंघेगी तो उहदे हर पोर्शन दा टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा उच बदलाव चेंज नहीं आया और जदों चेंज आ रही सी उहनूं ट्रांजिएंट स्टेट कहा सी आपां ये स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट च क्योंकि सिस्टम दा हर पोर्शन अपने चो लंघ रही हीट नु लंघन भी दे रहा ते अब्जॉर्ब भी कर रहा तो उस वक्त सिस्टम दीयां दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं एक थर्मल कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक हीट पर स्टेडी स्टेट च हीट अब्जॉर्ब नहीं करनी सिस्टम ने उन्हें सिर्फ रास्ता देना अगे जांदा तो स्टेडी स्टेट दे विच सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी ही रोल प्ले करती है स्पेसिफिक हीट दा कोई रोल नहीं रह जाता हुण इहदा देखो बेटा हुण जे आपां इन्ने पोर्शन नूं देखिए तां इन्ने पोर्शन दा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और इस पोर्शन दा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है क्योंकि सीरीज च है ना दोनों हुण इहदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना लिखांगे के ए टेंपरेचर डिफरेंस आएगा 100 माइनस थीटा ओवर डिस्टेंस आ जाएगा 6 इधर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखूंगे कि ए टेंपरेचर डिफरेंस लिखूंगे थीटा माइनस 0 ओवर थीटा काट लो सिक्स इज इक्वल टू थीटा बाय 14
कि बॉडी ने जड़ी एनर्जी एमिट करनी है पर सेकंड पर यूनिट एरिया स्टीफन लॉ कहता कि नहीं होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर फोर ठीक है तो एमिसिव पावर तो दूसरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता कि जो तो बॉडी एनर्जी एमिट करती है ता गिवन टेंपरेचर ते वो जेडी मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रही है जिस वेवलेंथ दी फॉर्म च वो वेवलेंथ लैम्डा एम ते टी दा प्रोडक्ट है ना एदा मतलब लैम्डा एम की हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्योंकि आधा कांस्टेंट है और इसका मतलब इथे अपन टी दी जगह पे की लिख सकते हैं तो दो बॉडीज दी इमिसिव पावर की रेशियो लेनी है अपन तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा एम2 ओवर तो दोनों दी वेवलेंथ तो आपको देती हैं पहली वेवलेंथ कितनी 0.26 माइक्रोमीटर दूसरी 0.13 डबल ही हो गया तो दी पावर 1/16 रेशियो आ गई वो गल का पुत्र देखो सारा कुछ बार-बार वही हो रहा कंसेप्ट फार्मूलाज टॉपिक्स दिमाग को मन गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं नहीं तो नहीं होने बोल भी दिनेश का अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेंपरेचर ऑफ 2880 केल्विन The energy of radiation emitted by this body with wavelength between 499 nanometer and 500 nanometer is U1. Between 999 nanometer and 1000 nanometer is U2 and between 1499 and 1500 nanometer is U3. Wien's constant Wien's 2.88 into 10. देखो बेटा कि जदो ना कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है गिवन टेंपरेचर पे ता एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम एनर्जी होती है उस वेवलेंथ तो काटते भी काट एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ नाल भी काट एनर्जी एमिट होती है हुन उन्हें थानू की दसया बॉडी दा टेंपरेचर कितना देता 0 केल्विन 0 यस इज इक्वल टू बी दी वैल्यू कितनी देती 2.88 × 10⁻⁶ नैनोमीटर केल्विन ठीक है हुन तो अटली काम सोखा करता तो लैम्डा एम दी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो ए भी आप बना सकते हैं ना 2 A4 हो गया तो नीचे आ गया 2 8 8 तो लैम्डा एम दी वैल्यू 1000 नैनोमीटर आ गया है ना ठीक है हुन ध्यान दियो हुन तुहानू इत्थों की करना पैणा लिया वो कह रहे हैं वाह इस न्यूमेरिकल को समझो कि जड़ी U1 एनर्जी है वो दी वेवलेंथ लाई कर रही है 499 तो 500 वाली जड़ी U2 है वो है आवाली और U3 है
इहदा मतलब पता की होया सब तो ज्यादा क्योंकि लैम्डा एम 1000 आ गई आ वाली इहदा मतलब इस टेंपरेचर ते सब तो ज्यादा एनर्जी इस वेवलेंथ दे नाल एमिट हो रही आ सब तो ज्यादा आ दोनों इस तो मतलब U1 भी U2 तो घट है U3 भी U2 तो देख लो केड़ी ऑप्शन ठीक है गोल फिनिश थ्री रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली द टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द थ्री रॉड्स विल बी ये कुछ समझ आई क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी इदा ही होता है Kirchhoff's law. हाँ तो ले आओ बना देखो जंक्शन पे तीनों करंट्स का सम की होना जीरो याद है ये टेम्परेचर अपना आ सिचुएशन दी है 0 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस थीटा करना पुत्र और ये तीनों सेम मटेरियल है सेम क्रॉस सेक्शन है सेम लेंथ है सारा कुछ सेम है ना तो इसका मतलब तीनों की रेजिस्टेंस सेम है पर ये रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस है उसे इलेक्ट्रिक होंगे अच्छा उते पोटेंशियल देता होंदा भी इन्ने वोल्ट इन्ने वोल्ट इन्ने वोल्ट इते टेंपरेचर देता तो हुन आ करंट कितना होएगा मान लो आपा कहने आ करंट आई वन है तो करंट की होएगा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो माइनस थीटा ओवर आर प्लस आ करंट 90 माइनस थीटा बाय आर और रहा 90 माइनस थीटा बाय आर इज इक्वल टू जीरो तो थीटा कर दो सेम कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लग रहा है ठीक है कितने हो गए 15 यस बोल कीर्ति लास्ट पे बॉडी ना जेडी है एक ता ओदी स्टेट हो सकती है एब्जॉर्प्शन वाली दूसरी हो सकती है एमिशन वाली
ठीक है। तो एक्चुअली नेट जब अपन कहने ना अब्सॉर्प्शन वाली मिशन वाली वो नेट होता नेट। तो हम पुत्र जिस तरह आप असी सर्दियां च ना एमिशन स्टेट च हो जाने क्योंकि साडा सराउंडिंग दा टेंपरेचर घट जांदा वा साडा बॉडी दा तो उन्ना ही है तो सानू ठंड लगदी एनर्जी लॉस करके ते गर्मियां जदों पीक हुंदा वा सीजन तो उदों असी अब्जॉर्प्शन वाली स्टेट च हां नेट नेट मतलब ए नहीं है उदां असी हर वक्त एमिट भी कर रहे हैं। हुण इस वक्त असी ज्यादा एमिट कर रहे हैं सराउंडिंग तो घट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये ना सोचियो भी कल्ला हुण ऐतकी एमिशन ही है ਅਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀਟ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਬਲੈਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਹੈ ਉਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਨ ਸਟਾਰਸ। तो सूरज हर तरह की वेवलेंथ नू एमिट कर रहा तो इस करके वह ब्लैक बॉडी है। ठीक है वह एमिशन स्टेट च है तो एमिशन स्टेट च बॉडी जी है वह अगे देखो सौखा ही है जिहड़ी हाइड्रोजन है ते जो हीलियम है दोनों की इंटरनल एनर्जी बराबर है ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ N1 ਇਧਰ N2 ਅੱਛਾ CV ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ CV 5/2 ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ 3/2 ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਹੋਗਾ 2D pressure and volume can be related by equation PV square is equal to constant during the process of gases. हुण एक तरह नाल गामा नहीं हो गया एडियाबेटिक वाला तब की हुंदा उहदा एक्सपेंशन च एडियाबेटिक च कूलिंग जिहड़ा U1 है ना
ये बनना एन वन जेड़ा यू टू है वो है एन टू जो तो दोनों गैसेस मिक्स हो गई तो उन्होंने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाना टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन जाने इन दे ते नाल सीवी मिक्सचर आ जाना सीवी मिक्सचर बेसिकली उदो काम आना जो दोनों अलग अलग नेचर दी एक मोनो है एक डाई है अदरवाइज नहीं है ना सो एदा मतलब टी की बन जाना एन वन हम तुसी कहोगे सीवी मिक्सचर कितना निकालना N1 CV1 plus N2 CV2 over N1 plus N2. और क्योंकि दोनों गैसेस की है बोलते तो CV1 CV2 CV मिक्सचर बराबर ही है कॉमन करते जाने तो थोड़ा फाइनल टेम्परेचर N1 T1 plus N2 आ जाए टेम्परेचर पता ही है 273 तो मॉलिक्यूलर मास काट लो मॉलिक्यूलर मास तो पता लग जाना केड़ियां चार ऑप्शन चुके हैं मॉलिक्यूलर मास हुंदा वो नेचर ऑफ गैस नाल जुड़ी गल है ना कि अमाउंट ते ठीक है इस करके सी सेम रहना सी च नहीं फर्क आना वो नहीं रहना जिन्ना पहला The mean free path of nitrogen molecules at a pressure of 0.1 atmosphere and temperature 0 degree Celsius is 0.8 × 10⁻⁷ meter. If the number of density of molecules is 2.7 × 10⁻²/m³, then the molecular diameter is. किसी भी गैस दे विच मीन फ्री पाथ का फार्मूला है 1√2πD²N उन थोड़ा ध्यान रखियो कि तो डी है डायमीटर एन क्योंकि एन सानू ज्यादातर नंबर ऑफ मोल्स नाल है तो ए इथे नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट तो थानू आ दिता वा आ भी दिता वा डी कट लो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ।